Now coming to the next question, question number 4 is, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So, आपको बताना है forest क्या role play करती है in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. So, plants release oxygen in the atmosphere during the process of photosynthesis. We know that photosynthesis के process में जो plants है वो oxygen release करते है, right? The oxygen is inhaled by the animals for respiration. अब animals को breathe करने के लिए oxygen चाहिए, तो क्या करते हैं? Oxygen को inhale करते हैं. जो plants ने oxygen release करी, वो animals ने inhale कर ली respiration के लिए. Now during respiration, they release carbon dioxide, which is observed by plants. अब जब animals वहाँ पे respiration करेंगे, जैसे हम लोग oxygen अंदर लेते हैं, carbon dioxide बाहर छोड़ते, तो now they are releasing कार्बन डाइऑक्साइड. अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट? सो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, जिसमें पहले प्लांट्स ने अगर ऑक्सीजन रिलीज किया, फिर उस ऑक्सीजन को एनिमल्स ने यूज किया एंड उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने यूज किया, ऑक्सीजन, एनिमल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट. सो इस तरह से ये पूरा एक सर्कल बन गया. So in this way, the oxygen and carbon dioxide cycle goes on. Since forests contain a large number of plants, they help much in this cycle and maintain balance in nature. So क्योंकि अब forest में अभी चीज तो हर जगह पे है, यहाँ पे हम भी अगर breathe कर रहे हैं, तो plants जो oxygen छोड़ रहे हैं, वही हम breathe कर रहे हैं. So अब forest में बस ये है कि वहाँ पे number of plants and trees बहुत ज्यादा है. So that is why वो ज्यादा help करता है उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कि फॉरेस्ट में वेस्ट इतना क्यों नहीं होता. There is no waste in forest because decomposer convert all the dead bodies of plants and animals into the humus which gets added to the soil. Thus there is no waste. अब वहां भी waste इसलिए नहीं होता. पहली बात तो जो animals का excreta होता है, जो भी उनका waste product होता है, वो भी soil में dissolve हो जाता है. And जो भी dead bodies है, क्योंकि वहां पे जाके ऐसा तो है नहीं कि जो plants की dead bodies है या जो animals की dead bodies है कोई जाके वहां पे check on कर रहे हैं. So, क्या होते हैं वहां पे जो डीकम्पोजर्स है, वो उसको डेड एंड डिके को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, एंड देन वो ह्यूमस अगेन सॉइल में मिल जाते हैं. सो देयरफॉर देयर इज नो वेस्ट फाउंड इन द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट्स बताने जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ 5 लिखे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से एड या यहाँ से हटा सकते हो. फर्स्ट इज मेडिसिन, देन गम, वुड, हनी वैक्स, ऑयल, स्पाइसेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. सो इस लिस्ट को हम बहुत लंबा बना सकते हैं. जो भी 5 आपको उस टाइम पे याद आए, आप यहाँ लिख सकते. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 and 6. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बी एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन. किसमें हेल्प करते हैं ये सब? पॉलिनेशन में. सो द फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन. बी पार्ट है अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ. फॉरेस्ट क्या क्या प्यूरिफाई करता है? एयर एंड वॉटर. ये हमने डिस्कस किया था ना कि एयर पॉल्यूशन को कैसे खत्म करता है, एंड इस तरह से वो एयर और वॉटर को प्यूरिफाई करता है. देन नेक्स्ट वी हैव इज हर्ब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट. सो हमने देखा था फॉरेस्ट की अलग अलग लेयर्स होती है. हर्ब्स कौन सी उसमें होते हैं? ग्राउंड लेयर पे. ओके, then the last one is the decaying leaves and animals dropping in a forest enrich the. जितनी भी decaying और leaves होते हैं और animals होते हैं, वो enrich किसको करते हैं? soil को. because decomposers उनको convert कर देते हैं humus में, and then वो humus nutrients का काम करती है soil के लिए. ठीक है, so it enriches the soil. okay, so these were the fill in the blanks. let's come to the next question.